हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th क्लास का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि भोजन और मानव का स्वास्थ्य। यानी न्यूट्रिशन इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जो हमारे भोजन का जो मेन आधार है वो पोषण है। क्या है पोषण? तो सबसे पहले हम पोषण पढ़ने से पहले न्यूट्रिशन को डिवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन यानी पोषण। न्यूट्रिशन के आधार पर हम जीवों को दो प्रकार में बांटते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अपने ऑटोट्रोपस, ऑटोट्रोपस, और दूसरा होगा हेटेरोट्रोपस। ऑटोट्रोपस में कौन कौन आएगा? देखो, ऑटोट्रोपस में आपके आ जाएंगे थ्री टाइप्स। इसको अपन थ्री टाइप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, और सेकंड आ जाएगा आपके, दूसरा अपन ले लेते हैं केमी सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, और थर्ड पे अपन ले लेते हैं, ये टू ही टाइप्स है इसके। उसके बाद अपन इस पे लेते हैं एटेरोट्रोप में। एटेरोट्रोप को अपन फाइव टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट आपका हो गया शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। और सेकंड को अपन पढ़ेंगे उसके बाद में मांसाहारी, जिसको अपन बोलते हैं कार्निवोरस। और थर्ड अपन पढ़ेंगे ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी, ओमनीवोरस। और उसके बाद अपन ओमनीवोरस के बाद जो इसका फोर्थ होगा उसको अपन पढ़ेंगे फिशेज ईटर, फिशेज ईटर, फिशेज ईटर। उसके बाद नंबर फाइव पे अपन पढ़ेंगे कैनिबल। अब देखो, सबसे पहला अपन, मैं 5 मिनट, सबसे पहला अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी प्रकाश संश्लेषी जीव, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव। यानी कि सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा होगा प्रकाश संश्लेषी जीव, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि जो इस प्रकार के जीव अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा करते हैं। इस प्रकार के जीव अपनी जो भोजन का निर्माण होगा वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा करेंगे। यानी कि इसमें कौन कौन आएगा? देखो, इसमें सबसे पहले आएगा, इसमें जो सबसे पहला उदाहरण है वो है ग्रीन प्लांट्स। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हरे पौधे अपना भोजन है जो खुद बनाते हैं, इसलिए उनको हम, और वो किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम उनको बोलते हैं मतलब खुद स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपस, सबसे पहला। उसके बाद ग्रीन प्लांट्स के बाद अपना खुद का भोजन बनाने वाला अगला एग्जाम्पल एल्गी, जिनको हम बोलते हैं सेवाल, एल्गल बोलते हैं। उसके बाद है गोल्डन सेवाल, गोल्डन एल्गी। और उसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, और इसको कह देंगे अपन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ये तो थे जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण ये हमेशा खुद करेंगे, इसमें इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण खुद करेंगे, इसमें जरूरत नहीं है। बंद कर दे। पहला अपन ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश संश्लेषी जीव। अब इसका जो नेक्स्ट है वो है आपके केमी सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि रसायन संश्लेषी जीव, रसायन संश्लेषी जीव। अब देखो, केमी संश्लेषी इस प्रकार के जीव यानी कौन कौन से होते हैं? देखो, सल्फर, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाएगा अपने मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया। ये सभी इस प्रकार के जीव अपने शरीर में रासायनिक पदार्थों का निर्माण करके भोजन की आपूर्ति करते हैं। मतलब इनको हमने केमिकल सिंथेसिस सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोला है? क्योंकि ये खुद अपने बॉडी के अंदर
केमिकल का संश्लेषण सिंथेसिस करके यानी केमिकल का रसायन का संश्लेषण करके ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलेंगे रसायन संश्लेषित जीव, यानी ये खुद अपने बॉडी के अंदर रसायनों का संश्लेषण करके खुद अपना भोजन बना लेते हैं, तो इनको भी हम एक प्रकार से ऑटोट्रोपस ही बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे, ये तो था स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बना सके। अब अपन अगला पढ़ रहे हैं जो भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जिनको बोलते हैं अपने हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस होता है आपके विषमपोषी। विषमपोषी यानी जो भोजन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, आप ये मत समझना जो भोजन जैसे आपको मम्मी बना खिलाती है तो हम तो विषमपोषी हो गए, भोजन मम्मी स्वपोषी हो गई, नहीं ऐसे नहीं होगा। मम्मी खाना बना खिलाती है, आप खा रहे वो नहीं। ऑटोट्रोपस यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रोपस यानी जो दूसरे की सहायता से, जैसे दूसरे की सहायता से भोजन बनाए, इसमें अलग टाइप के होते हैं। पहला विषमपोषी, जैसे सबसे पहला पढ़ते हैं हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस देखो, हर्बीवोरस कौन कौन होते हैं, जो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जो मतलब क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। हर्बीवोरस किनको बोलते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स या ग्रास, घास फूस खाते हैं, उनको अपन बोलते हैं हर्बीवोरस। या जो आप फूड कहते हैं खाना, तब क्या मांसाहारी भी हो सकता है, ग्रीन प्लांट्स या ग्रास, इनको कौन कौन खाता है, देखो गोट, बकरी एक शुद्ध शाकाहारी है, काऊ, गाय, खरगोश, खरगोश को बोलते हैं अपन रैबिट, और भैंस, बफेलो, एक हो गया आपके हॉर्स यानी घोड़ा, और एक हो गया पैरट, पैरट यानी तोता। यानी कि ये सभी ग्रीन प्लांट्स ईटर है, हर्बीवोरस, शुद्ध शाकाहारी जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं। उसके बाद अगला है मांसाहारी, जिनको अपन बोलते हैं कार्निवोरस, ठीक है ना, कार्निवोरस बोलते हैं मांसाहारी। ये तो थे अपने शाकाहारी जो ग्रीन प्लांट ईटर थे। अब अगला है मांसाहारी जो फ्लैश ईटर होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ये होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी जो मीट मांस खाते हैं, सिर्फ मांस ही खाते हैं। इनमें देखो सबसे पहले डॉग। अब ऐसे तो डॉग आपको पता है क्योंकि रोटी भी खाता है, लेकिन डॉग को मांसाहारी में अपन काउंट करते हैं। उसके बाद है शेर, जिसको अपन बोलते हैं लॉयन, चीता यानी पैंथर, एक होता है लेपर्ड, तेंदुआ, इसी प्रकार होता है टाइगर, बाघ, और एक होता है माउस, चूहा, ठीक है ना। उसके बाद मतलब ये जो होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो मांस खाते हैं, मीट मांस खाते हैं। उसके बाद अपना आता है अगला जो तीसरा आता है, तीसरे के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है आपके सर्वाहारी, जिसको बोलते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस इधर देखना मेरे भाई, ओमनिवोरस, ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, ध्यान से इसको नोटिस करना, सर्वाहारी जो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, यानी कहने का मतलब जो ग्रीन प्लांट्स भी खाएंगे प्लस ग्रीन प्लांट्स के साथ में फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी होंगे, फ्लैश ईटिंग भी होंगे, मतलब जो मीट भी खाएंगे और ग्रीन प्लांट्स भी खाएंगे, उनको अपन बोलेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन ह्यूमन बींग, यानी अपन खुद मानव, और दूसरा एग्जाम्पल अपन ले लेंगे मोर। मोर को आप जैसे कहते हैं अपन पीकॉक, ये हो गए आपके सर्वाहारी। और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो इसमें आप क्रो का एग्जाम्पल डाल सकते हो, कौआ, ठीक है ना। उसके बाद अगला, ये तो हो गए तीन टाइप के बाद चौथा टाइप था इसका फिशेज ईटर, यानी मल भक्षी जो खुद का मल खाते हो, यानी ऐसे जानवर जो कभी कभी पोषण नहीं मिलने पर खुद का मल भी खा लेते हैं, यानी वो खुद का मल खा लेते हैं। जैसे इसमें अपने एग्जाम्पल होगा सबसे पहले खरगोश, रैबिट, और दूसरा होगा सुअर, जिसको आप बोलते पिग, सुअर पिग बोलते हो वो, और जो आपको रैबिट और पिग, ये अपना ही मल खा जाते हैं। आपने मार्केट में देखा ही होगा नालों के अंदर घूमते हैं पिग और ये रैबिट, ये कभी कभी अपना ही खुद का, जब इनको भरण पोषण नहीं मिलता है तो अपना खुद का ही मल है जो भक्षण के रूप में खा लेते हैं। भक्षण का मल होता है खाने वाला, भक्षी। और पांचवा होता है नरभक्षी, यानी कैनिबल, जिसको बोलते हैं नरभक्षी। अब नरभक्षी कौन होता है, देखो नरभक्षी सबसे पहले तो अपन नरभक्षी, नर कहते ही किसको है, मानव को, यानी सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो हो जाएगा मानव, ह्यूमन बींग, जिसको अपन बोलते हैं नरभक्षी, ठीक है ना। उससे अगला एग्जाम्पल आपके हो जाएगा सांप, सांप को स्नैक, जितने भी सांप है सारे सांप कैनिबल है, यानी वो नरभक्षी है जो। और उसके बाद हो जाएगा मछलियां जितनी भी है, ठीक है ना, वो सारी की सारी क्या है, मीन्स मछलियां, जो भी आप बोलो, मछलियां जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है, नरभक्षी, कैनिबल,
जैसे कि लास्ट वाला एक बार मैं वापस देखता हूँ, रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले था न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर हम जीवों को बांटा था दो प्रकार से, टू टाइप से, ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ में पहला था फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते थे। कौन कौन थे इसमें देखना, ग्रीन प्लांट्स थे, एल्गी थी, गोल्डन एल्गी थी, और साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसके बाद जो अगला टाइप था अपना, अगला टाइप था आपके, दूसरा टाइप था केमिस्ट्री सिंथेटिक, केमी सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब रसायन संश्लेषी जीव, जो अपने भोजन का निर्माण अपनी बॉडी के अंदर रसायनों के संश्लेषण से करते हैं। जैसे सल्फर है, बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और मेथेनोजन बैक्टीरिया। ये सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया और मेथेनोजन बैक्टीरिया। उसके बाद जो दूसरा था वो था विषम पोषी यानी हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस के अपन ने पांच प्रकार पढ़े थे, फाइव टाइप्स। पहला टाइप्स था हर्बीवोर। हर्बीवोर को अपन बोलते हैं शाकाहारी, जो ग्रीन प्लांट ईटर होते हैं। ये डेफिनेशन तो आप सिक्स क्लास से एट क्लास तक पढ़ते ही आ रहे हैं। गॉट, काऊ, रैबिट, बफेलो एंड हॉर्स और पैरट। उसके बाद पढ़ा था अपन ने कार्निवर्स कौन कौन से थे, डॉग, लॉइन, पैंथर, लेपर्ड, माउस और लेपर्ड, माउस और पैंथर, जो क्या खाते थे, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फिर ओमनिवोरस में थे सबको सर्वाहारी यानी ग्रीन प्लांट प्लस मीट दोनों खाने वाले। उसके अंदर थे ह्यूमन बींग, पिकॉक और क्रो। उसके बाद अपन ने पढ़ा था मलभक्षी यानी फिशेज ईटर, जो अपना ही मल खाकर पोषण करते हैं, उनको बोलते हैं रैबिट और पिग। फिर था कैनिबल, कैनिबल बोलते हैं मानव, जो नरभक्षी। नरभक्षी सबसे पहले तो नर का मतलब मानव यानी ह्यूमन बींग, और उसके बाद स्नेक हो गया, और मछलियां, मछलियां को आप बोलते हैं फिश। अब अगला टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन कौन सा होता है, देखो संतुलित भोजन को अपन क्या बोलेंगे, संतुलित भोजन वो होगा जिसमें फाइव न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होंगे। जो फाइव न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होंगे, फाइव कौन कौन से, देखो सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, मेरे भाइयों ध्यान सुनना, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हो जाएगा आपके प्रोटीन्स, तीसरा हो जाएगा आपके फैट, सॉरी दूसरे को अपन फैट माने क्योंकि दोनों सेम सिमिलर है, तीसरा हो गया प्रोटीन्स, और चौथा हो गया आपके फैट, और फाइव नंबर पे हो गया मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन और यहाँ विटामिन आए, विटामिन अपन पीछे छोड़ दिए, विटामिन ये पांचों, यानी कि ये सभी मिलकर बैलेंस डाइट का मतलब अपन बैलेंस यानी संतुलित भोजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन, यानी वो भोजन जिसको करने से हमारे शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। उसके लिए पांच तत्वों के, उन पांच पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनको अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। इससे आगे अपन टॉपिक देखते हैं, जैसे लिखा हो बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर मल न्यूट्रिशन इन अवर कंट्री दैट पीपल डू नॉट गेट एडेक्वेट अमाउंट ऑफ बैलेंस फूड। मेनी एग्जाम्पल कैन बी फाउंड वेर ड्यू टू बैड हैबिट्स बैलेंस फूड इज नॉट टेकन अप प्रॉपरली एंड पर्सन शोज द सिम्टम्स ऑफ मल न्यूट्रिशन। द इफेक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट्स बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। मेंटल वीकनेस हियर विल बी डिस्कस सम ऑफ इम्पोर्टेंट साइड ऑफ इफेक्ट न्यूट्रिशन। आपको जैसे आप एक बात बताता हूँ, मैं अपने इंडिया में इतने ज्यादा मल न्यूट्रिशन के पेशेंट नहीं है। मल न्यूट्रिशन नए पेज शुरू कर देते, मल न्यूट्रिशन यानी मल न्यूट्रिशन एक टॉपिक है अपना, मल न्यूट्रिशन जिसको बैलेंस डाइट मिलेगी, मल न्यूट्रिशन जिसको बैलेंस डाइट मिलेगी वो तो मल न्यूट्रिशन का शिकार होगा नहीं। जिसको अनबैलेंस डाइट यानी जिसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है वो हो जाएगा। तो आपने देखा, अपने देखा अमेरिका जैसे देशों में, जो विकसित देश आपको लगते हैं, लेकिन वहां मल न्यूट्रिशन के पेशेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। मतलब कहते हैं कुपोषण, कुपोषण के शिकारी। अपने इंडिया में कुपोषी मानव लोग बहुत कम है, क्योंकि यहाँ कुपोषण इतना है, लेकिन इतना गरीबी भी नहीं है कि कुपोषण के शिकार हो, यहाँ इतनी अपने कुपोषण नहीं है, लेकिन बैलेंस डाइट नहीं होने की वजह से कुपोषण का इंसान शिकार हो जाता है। और दुनिया में बहुत सारे देशों में ये बीमारी सबसे ज्यादा फैली हुई है कुपोषण की, जिसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। अब फाइव टाइप्स के मल न्यूट्रिशन आज हम इतना ही करेंगे, कल से इससे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनके टाइप्स। थैंक यू, जय हिंद।